साईं मंदिर में गुरु पूर्णिमा मनाने की तैयारियां हुई पूरी। चंद्र ग्रहण के कारण साईं मंदिर के पट दोपहर 2:45 से सुबह 4:30 बजे तक रहेंगे बंद। साईं मंदिर में गुरु पूर्णिमा को लेकर तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। हम आपको बता दें, प्रत्येक वर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन साईं बाबा के दरबार कोठी कंपाउंड परिसर में भव्य तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। शहर व उसके आसपास के तमाम भक्त परिसर में जुड़ते हैं। इस साल गुरु पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण एक साथ पड़ने के कारण मंदिर के पट दोपहर 2:45 से 28 तारीख की सुबह 4:30 बजे तक बंद रहेंगे, जिसकी वजह से गुरु पूर्णिमा के दिन निकलने वाली शोभा यात्रा 28 तारीख को निकाली जाएगी। इस बारे में मंदिर के प्रधान पुजारी ने रीवा दर्शन को बताया। गुरु पूर्णिमा की जो तैयारी है करीब करीब 90% पूरी हो चुकी है और जो है तो आज दोपहर 3 बजे तक बाबा की पालकी निकालना है। पालकी निकलेगी, कल बाइक रैली का आयोजन किया गया है। परसों जो है 28 तारीख को 2 बजे से बाबा की शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से सुबह निकलेगी, जिसमें आप सभी दर्शनार्थी श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया गया है कि बाबा शोभा यात्रा में भाग लें और आके मंदिर में सुबह भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें सब बाबा की प्रसाद प्रातःकाल 5 बजे से अभिषेक चालू हो जाएगा। मंदिर 4 बजे खुलेगा, 5 बजे से अभिषेक होगा। उसके बाद आरती, आरती के बाद जो है तो दोपहर के आरती के बाद 8 बजे के करीब बाबा की पाद पूजा होगी। दोपहर 12 बजे आरती, इसके बाद 2:30 मंदिर बंद हो जाएगा।